नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजदीप सिंह। जम्मू में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को लेकर सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से भेदभाव जो है जम्मू की आवाम के साथ हो रहा है और राशन को लेकर क्या इनके मसले हैं, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम विजय कुमार, मैं राशन डीलर हूँ जी, जे एंड के स्टेट में जी। क्या मसला है आपका, क्यों आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मसला है? सर 2016 में इन्होंने नफ्सा हमारे पर लागू किया था, उसका हमें आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है और जो हमारी पहले जो मुसीबतें थी वही मुसीबतें अब तक हमें झेलनी पड़ रही हैं। इस कारण हमने कोरोना जो इतना महामारी रही है 2 साल, हम सब ने मिल के उसका पूरा यानी कि लोगों के साथ पूरा ताबुन दिया उनको और राशन जो है घर घर पहुँचाया और ये जो हमारी जो सरकार है इन्होंने हमें कुछ भी उसके बदले में कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम आपके लिए कोई कमीशन बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, कोई उसका हमें कुछ आज तक आश्वासन नहीं रहा। हमारे जो ऑल इंडिया से जो हमारे बासु जी आए हैं, हमने उन तक जो अपनी पहुंच पाई कि हमारी जो है डिमांडें सुनी जाएं इधर जम्मू में और हमें बेनिफिट दिलाया जाए, और उन्होंने हमें ऐसे ऐसे मसले बताए हैं कि जिनका हमें आज तक पता भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कमीशन का जो मसला है आपका, वो हमें इधर साल साल डेढ़ साल हो जाता है कमीशन मिले हुए, लेकिन उन्होंने आज बोला है हमें कि आपका जो कमीशन जो है सेंटर से हमें 80% एडवांस में मिलती है और आपको इधर यानी मिल नहीं रही है और आप इधर सफ़र कर रहे हैं इसके लिए 6-6 महीने साल साल डेढ़ डेढ़ साल के लिए। तो वो भी इन्होंने बोला है, हम जो बैग करवाते हैं खाली जो राशन के जमा करवाते हैं वो भी उन्होंने बोला है इसका कोई लॉ नहीं है और इसका कोई कानून नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि जो जो पैसे आपने जमा करवाए हैं राशन डीलरों ने 2016 के बाद, वो पैसे मैं वापस दिला के रहूँगा। वो हमारी मांगें सुनने के लिए आए हैं, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने सर आगे आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, वो जो हमारे यहाँ कन्वेंशन हो रहा है आजकल, हम इसको एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायलेशन विद एफपी डीलर्स मानते हैं। क्योंकि क्यों मानते हैं, जो हमारे डीलर साहिबान हैं, जो नफ्सा इन्होंने लागू किया है यहाँ पर 2014 से 16 से, तो उसमें जो रूल्स है गाइडलाइंस है जो थ्रू आउट इंडिया मिलती है डीलर्स को, वो यहाँ पर नहीं मिलती। जो इन्होंने कमीशन मुकर करके रखा है 143, वो भी सालों साल से नहीं मिलता है डीलर्स को, जिसकी वजह से डीलर्स बहुत परेशान है। डीलर्स के घर में बहुत लाइबिलिटी आती है, उनका बड़ा दिन होता है कुछ नहीं होता है उनके पास, और इसीलिए हम इनको इसका नाम देते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब हम आज आए, जो हमारे बासु साहब आए हैं हमारे बीच, आज जो एक चीफ गेस्ट बन के आए हैं ऑल इंडिया फेडरेशन से, तो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उसके, तो हम आज इसलिए उसके यहाँ पर लाए हैं, उन्होंने तशरीफ लाए, हमारी वो डिमांड है जो जायज़ है ये कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए। क्योंकि आज यहाँ पर यूटी है, जो कुछ भी होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होता है, तो हमारी जेन्युइन डिमांड है और एक ही डिमांड है अब, क्योंकि कमीशन तो हमें मिलना नहीं सालों साल से। अब हमारी जहाँ से जब से ये पीएसओ लागू हुई है, मशीन जो ऑथेंटिक करनी पड़ती है राशन होल्डर को, तब तक हमारे हक में कुछ पेंशन जमा नहीं होता है, तो उसमें हमारे अब यही एक ही डिमांड है सिर्फ कि हमें फिक्स रुपये चाहिए। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को, हमने जहाँ तक कैलकुलेशन की है, कोई 42 करोड़ की उसमें कमीशन में खर्चा आता है एज पर दिस 143, और जब हम इनको कैलकुलेशन यहाँ करके देते हैं तो उसमें 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की बचत होती है। अगर वो हमारे लिए 30-35-35 हज़ार तक फिक्स सैलरी करिए, हमारी आखिरी डिमांड यही है, ये हम बासु साहब से भी यही डिमांड रखेंगे कि फिक्स सैलरी हमारे लिए मुकर्रर की जाए, चाहे वो 30 हज़ार हो 35 हज़ार, जो भी बनता है वो हमारे हक में वागुजार किया जाए और हमें उसी पे स्केल पर। पहले आपने अपनी डिमांड को लेकर आप एलजी सरकार के पास गए हो या बीजेपी के पास गए हो? बहुत बार गए,
हैं। आज जो हमने प्रोसेस किया हमारी एसोसिएशन ने यहाँ जम्मू कश्मीर की, वो फाइल एक पड़ी है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिश्नर साहब के पहाड़े टेबल पर, और उसमें बहुत काम कर रहे हैं हमारे बासु साहब, और वी होप कि जल्दी उसका शायद रिजल्ट निकल आएगा। उसमें भी हमने यही डिमांड रखी है कि हमारे लिए ये कमीशन का सिलसिला, क्योंकि जब से ये पीएसओ लग गया है कि यहाँ पर, हमने जम्मू की बात कर रहा हूँ, यहाँ की किसी की डीलर के पास 1,000, 2,000, 3,000 सोलर्स होते थे, अब जब से कोई नहीं लेता है, जिसमें छोड़े थे 3 महीने के बाद लेंगे हम इकट्ठे राशन, उसमें जब तो वो फिंगर नहीं होता है तो उसका कोई कमीशन बनता नहीं है ना कोई। अब आ गए वो क्यों, किसी के पास अब 10,000 भी रुपये भी नहीं मिलता है मंथ को। और उसमें दूसरा क्या है उस कमीशन में, जब से जब गाड़ी निकलती है हमारी गेदरी मेन स्टोर से, जब वो पहुंचती है हमारे सेल सेंटर पर, सबसे पहले उसकी वेस्टेज नहीं देते हमें, उसमें 2 क्विंटल 3 क्विंटल वेस्टेज होने के जब बाहर से आती है, 2-4 स्टोरों से उसका लादना उतारना पड़ता है। नंबर 3 दुकान का किराया, नंबर 4 जो हमें वहां पर अपना जो रखते हैं हमाल जो मजदूर रखना पड़ता है, अब हमें वो पूरे महीने वहां रखना पड़ता है, उसको लिए हमें 800 रुपये पर डे देना पड़ता है। अगर एड वो 24,000 बन गए, अब डीलर को खुद 5,000 नहीं मिलते हैं तो उसको देने पड़ेंगे 24,000। अब जो पीएसओ मशीन आ गई, इसमें भी अब जरूरी है, अब बन गया है कि हमारे दुकान में बिजली का अरेंजमेंट हो, उसके लिए अलग फीस 1500 कमर्शियल रेट लेते हैं बिजली वाले, 1500-2000 वो अलग लेते हैं। इसमें आज तक जो हमने किया हम अपनी जेब से देते हैं, इसलिए हमारे आयाल पर, हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ा है। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करा सकते, हम अपनी बहनों की शादी नहीं करा सकते, ये हमारे साथ जबरदस्त नाइंसाफी है। इसीलिए मैं इसको आज इस कन्वेंशन को ह्यूमन राइट्स के से लेता हूं। और आप कोई एक बात कहना चाहे? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है यहाँ के डीलर्स का, इनका ये कहना है कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द जो है पूरी हो जाए, और आगे भी हम आपको जो है शो करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर ये जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए डीलर्स हैं, अपनी कमीशन को लेके बात करते हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी प्रावधान जो है सरकार की तरफ से है, और आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पर तैनात हैं, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सभी जो है अपनी डिमांड्स को लेकर सामने आए हैं ताकि इनकी डिमांड जो है वो जल्द से जल्द जो है पूरी हो सके। मौका है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप और हम आमने सामने हुए, रूबरू हुए, सेंट्रल लीडरशिप को पता चला कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जम्मू के अलग अलग जगहों से आए हैं और अपनी मांग को जो है यहाँ पर रख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इनकी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द सुना जाए, और इनका ये कहना है कि सरकार सेंटर की तरफ से काफी जो अपने पीएसओ ऑफिस से, हमारी तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, सूबे से और फिर रियासत में अपने एतमाद दे दिया है, इन लोगों को जो है आज मुबारकबाद पेश करूंगा। इतनी बड़ी जनसभा के अंदर ये लोग आए, आपको सुनने के लिए आए बासु जी, अब इन लोगों को तो मुबारक है, लेकिन हमारा हाल जो है हम आपके सामने थोड़ा सा, क्योंकि वक्त की किल्लत रहती है हर एक के पास, हमको जज्बात कुछ ऐसे हैं क्योंकि मैं भी नौजवान हूं, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गवर्नमेंट ने, अगर 1,200 राशन कार्ड होल्डर्स को इन्होंने कमीशन एजेंट बना दिया, जनाब कमीशन क्या बात है, ये दलाली है, ये पहले हमको काम करना है, हमने पैसे घोड़े वालों को दिए, हमने तोल के लोगों को दिया, हमको एनओसी बनानी पड़ी, डायरेक्टर हमारा सर ऊंचा करके बोलता है, हमारा यहाँ का कमीशन सेक्रेटरी बोलता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में फ्री राशन घर घर पहुंच गई,
आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर वास्तुशिल्प को सुनने आए हैं और सेक्रेटरी हैं वो जनरल सेक्रेटरी के हैं और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये तमाम लोग जो हैं वो विश्वेंद्र बासु जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के एक उनको सुनने आए हैं, ये चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हैं और जितने भी इश्यूज हैं जितने भी मुद्दे हैं इन राशन डीलर्स के इनको जो है इस बात को लेकर जो है ये अपने आवाज़ को बुलंद जो है वो करना चाहते हैं। हाँ जी, आप सर बताइए कि और विश्वम्बर बासु जी से आपके क्या और डिमांड्स हैं? जो भी डिमांड्स हमारी आए दिन हमें परेशानियां आती रहती हैं और जिसके लिए हमें फाइट कर रहे हैं सारे मिलके, वो सारी डिमांड्स हमने बसु साहब के सामने रखी हुई हैं। आए दिन बसु साहब ने हमारा पक्का इंश्योरेंस दिया है कि हम मिल बैठकर इन सभी डिमांड्स का जो इशू है इसका निवारण करेंगे। आप मौजूदा सरकार में FMCG या किसी भी बड़े अधिकारी से मिले? हाँ, अधिकारी को सभी अधिकारियों से मिले हैं बार बार और पॉलिटिशियन से भी मिले। हमारे लीडर साहबान हैं जो जम्मू के, उनके नॉलेज में भी बात लाई गई कि ये भेदभाव दूर किया जाए और उसको पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर से चलाया जाए, सिस्टम को पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से चलाया जाए। इससे पब्लिक को भी बेनिफिट होगा और राशन डीलरों की डिमांड्स जो आए दिन इशू बने रहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हमारी जो डिमांड है, जो हम एपी शॉप चला रहे हैं पिछले 14 सालों से, गवर्नमेंट ने हमारी रोज़गार पर कुल्हाड़ी मारी, हमारे ही एपी शॉप में दूसरा एपी शॉप निकाला। हम आज गवर्नमेंट से इसलिए ये कन्वेंशन किया है कि हम आज गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं जो हमारा कमीशन है वो कन्वर्ट करिए हमारे सैलरी में। इक्वल कमीशन हमें लेना है, वो भी मंथली लेना है। पिछले 2 साल से हमारा कमीशन बंद है, कभी कमीशन 3 महीने का मिलता है, कभी 15 दिन का मिलता है। उससे हमें हमारे डीलरों को बहुत तकलीफ पहुँचता है और हमारी पुरजोर डिमांड है यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ के LG साहब से, जो हमारा कमीशन है वो कन्वर्ट सैलरी में होना चाहिए ताकि हम इज्जत से मंथली सैलरी ले लेंगे। शुक्रिया। और यहाँ पर जो लोग हैं किन कहाँ कहाँ से आए, किन किन जगहों से आए हैं? ये तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों से, कश्मीर के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों के जो भी जोमा है वही यहाँ आए, जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के जोमा है वहाँ वो भी यहाँ आए। वरना तो अगर हम सब डीलरों को बुलाएंगे तो यहाँ एक भी जगह नहीं रहेंगे जहाँ डीलर ना। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मुझे हम कश्मीर से आए हैं, सिर्फ हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सर्कल प्रेसिडेंट को यहाँ पे बुलाए हैं। हमारा डिमांड है 2014 से आज तक हम लड़ते आ रहे हैं मगर गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम इस नतीजे पहुँचे, हमारे घर में जो बच्चों की तालीम है वो मुतासिर हुई है, हम अच्छे तालीम नहीं दे सकते अपने बच्चों को या हमारा गुजारा पूरा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत तंग किया है। अब हम उनसे, उन्होंने कभी हमसे ये वादे भी किए हैं कि आपको डिपार्टमेंट में जम करेंगे, उसके लिए कैबिनेट आर्डर भी निकाला गया। उसके बगैर जो PDP गवर्नमेंट आई, उसकी क़यादत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी, उस टाइम हमें रहबर खुराक प्रपोजल का उसने हमें आश्वासन दिया है मगर बदकिस्मती से आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज की डेट में हम ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमें जो कमीशन मिल रहा है वो कंसोलिडेटेड की सूरत में हमें दीजिए ताकि हम अच्छी तरह से अपना मतलब रोजी रोटी कमाएं, वरना हम दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं। हम इसके हम फाकाकशी के शिकार हो चुके हैं। हम इल्तिजा करते हैं जो अभी गवर्नर इंतज़ामिया है जम्मू कश्मीर के, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं गुजारिश, हमें ये जो कमीशन मिलता है वो हमें कंसोलिडेटेड की सूरत में इजरा करें। तो सुना आपने इन सभी लोगों का जो सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि श्रीनगर के कई अलग अलग जगहों से आए हैं, इनका कहना है कि इनकी जो कमीशन है वो समय दर समय इनको मिल जानी चाहिए और जो इनका अमाउंट है जो सरकार की तरफ से फिक्स रहता है उसे टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं मिलता। कई समय लग जाता है, साल लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं, इनकी कमीशन जो है वो ठीक तरह से एक प्रोसेस्ड वे में जो है वो नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये तमाम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो बातचीत है वो जो है जनरल सेक्रेटरी साहब बासु तक जो है पहुंचाने की कोशिश में है और आगे इस मामले से जुड़ी जो भी आप अपडेट होगी वो हम आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहिए राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
और